बिजनेस से फ्रीडम है, आपके पास सोचना नहीं है कि कामकाज का क्या होगा, बजटिंग का क्या होगा, ईएमआई का क्या होगा. आपको जब लगे कि मौसम सधा रहा है तो आप ऐसी जगह 18 घंटे की फ्लाइट लेके लाखों रुपए खर्च करके आप ऐसी जगह चले जाएं और 15-20 दिन अपने हिसाब से रह के आए हैं आप. तो आज बात हुई और बहुत एक्साइटेड हुआ उनसे. खैर, हमेशा बात करने के बाद एक्साइटेड हुआ, लेकिन हम जिस बिजनेस आइडियोलॉजी के साथ जुड़े हुए हैं उसका पोटेंशियल हमें पता तो है, लेकिन कई बार भूल जाते हैं हम, इंक्लूडिंग मी ऑल्सो. मैं भी भूल जाता हूँ कि यार इसमें इतना कुछ मिल सकता है, हम डील में क्यों हो गए, हम स्लो क्यों हो गए, हम लोगों की बातों में क्यों आ गए, हमने मन में उनको नेगेटिविटी हावी क्यों होने दी कि ये नहीं हो पाएगा या बहुत मुश्किल है या लोग नहीं मान रहे. तो आज मैं प्रेजेंटेशन दिखाने जा रहा हूँ और बदलते वक्त के साथ जिस तरह आज पूरा इन्वायरमेंट बदल रहा है, एमवे भी पूरी चेंज हो रही है, प्रेजेंटेशन भी वर्ल्ड वाइड चेंज हो रही है, बिजनेस के करने के तरीके बदल रहे हैं, ट्रेंड्स बदल रहे हैं, तो हमारे बिजनेस करने के तरीके भी बदल रहे हैं. लेकिन एक चीज हमेशा जो कभी नहीं बदलेगा एमवे में वो होगा, दैट इज होप, फैमिली, रिवार्ड. ये जो हमारे 4 पिलर हैं ये हमेशा रहेंगे और जो भी एमवे में आएगा वो हमेशा किसी न किसी वजह से इन चारों में से कोई कोई एक सेगमेंट पकड़ के टिक जाएगा और एक बहुत बड़ा बिजनेस कर जाएगा. तो मैं आज प्रेजेंटेशन आपको दिखाने जा रहा हूँ. विजिबल होगा सबको? आज मुझे विजिबल है तो सबको विजिबल होगा, आई बिलीव. जी रिजवान सर, साहब, यस सर, विजिबल सर. ओके ओके, लेट्स स्टार्ट, लेट्स स्टार्ट. थैंक यू. अभी हम लोगों को थोड़ा सीखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि हम आज जो भी हैं वो कहीं ना कहीं से देख के सीख के बन गए हैं. मिसाल के तौर पे आज हमारी जो सोच बनी हुई है कि चलो हम 50,000 में गुजारा कर लेंगे, 20,000 में गुजारा कर लेंगे, ईएमआई से ही काम चला लेंगे, नॉर्मल स्कूल से काम चला लेंगे, नॉर्मल हॉस्पिटल से काम चला लेंगे, बिकॉज जाने अनजाने में हम लोगों को कोई ट्रेन करता है. कई बार वो हमारे स्कूल के टीचर्स होते हैं, कई बार प्रोफेसर होते हैं, कई बार रिश्तेदार होते हैं हमारे, कई बार हमारे बड़े जिगरी दोस्त होते हैं जो हमेशा हमको ट्रेन करते हैं, बताते हैं कि यही ठीक है. और ये सब कई बार जानबूझ के होता है, कई बार अनजाने में होता है. स्कूल में तो जानबूझ के होता है बिकॉज आपको एक तरीके से सोचने का पैटर्न बताया जाता है. जैसे मोस्ट ऑफ द टाइम हमारा स्कूल मोस्ट ऑफ द टाइम स्कूल एंड कॉलेजेस जो है जॉब के लिए प्रिपेयर करते हैं कि आप नौकरी करिए और उसी में आप तरक्की खोजिए. जैसे ये टीचर है, टीचर का अपना खुद का स्क्वायर दिमाग है, तो जितने भी राउंड वाले बच्चे दिमाग थे उन सबको काट के टीचर जो है स्क्वायर बना रही है. अब ये डिबेटेबल है कि राउंड ठीक है कि स्क्वायर ठीक है, बट क्वेश्चन ये है कि क्या टीचर के पास जो स्क्वायर वाला माइंडसेट है, क्या वो उससे वो अपने आप को सक्सेसफुल मानती है उससे कि नहीं मानती है? क्या उनके अपने ड्रीम्स पूरे हो रहे हैं? और अगर नहीं हो रहे हैं तो वो कुछ भी कर लें, वो जितने भी ट्रेन करेंगी वो सारे अपने ही रेप्लिका तैयार करेंगी, अपने ही थॉट प्रोसेस वाले लोग तैयार करेंगी, जो लोग अपने लाइफ में एक मीडियोकर बन के रह जाएंगे. तो हमारा जो मेन एजेंडा समझना है कि हमें इंटेलिजेंस को विजडम के साथ कंफ्यूज नहीं करना है. आप बहुत इंटेलिजेंट हो सकते हैं मगर विजडम इज समथिंग एल्स. विजडम को हिंदी में कह लीजिए कि वो उस लेवल की थॉट प्रोसेस जहां पे आपको एक ऐसा एक्सपोजर मिले, जहां पे आप ऐसा कुछ सोचने लगे जो आप पहले सोच रहे थे उससे बहुत बड़ा और डरावना हो, आपको लगे कि नहीं यार ये मैं नहीं कर सकती या मुझसे ऐसा नहीं हो सकता. नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. ओके, और मोस्ट ऑफ द टाइम होता क्या है कि जब हम कुछ भी काम शुरू करते हैं तो हमारे पास एक आइडेंटिटी बननी शुरू हो जाती है और जनरली हम वो आइडेंटिटी या वो पहचान लेने की कोशिश करते हैं जो सोसाइटी में सबसे ज्यादा हो रही होती है. जैसे बहुत सारे लोग बुटीक चला रहे हैं तो ऐसा लगेगा अगर मेरा भी बुटीक हो जाए तो बहुत बढ़िया हो जाएगा. अगर बहुत सारे लोग नौकरी कर रहे हैं या आस पड़ोस में लोग नौकरी कर रहे हैं तो हमें लगता है कि यार नौकरी हो जाएगा तो अच्छा हो जाएगा. अगर कोई डॉक्टर है तो वो उससे इंस्पायर होता है कि डॉक्टर हो जाए तो बहुत अच्छा रहेगा. तो हम अपनी एक आइडेंटिटी बना लेते हैं कि हम यही कर सकते हैं और यही ठीक है
और हर एंगल से अपने आप को कन्विंस करते हैं कि जो मैं कर रहा हूं वो सबसे बढ़िया है, इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता। और कई बार इस हद तक कर लेते हैं कि नहीं, जो मैंने किया है और जो मैं कर रही हूँ यही ठीक है। जैसे एक एक्सपेरिमेंटल फॉर्म है, सिंगल इनकम सिंगल आइडेंटिटी क्राइसिस कहते हैं इसको, जिसमें जार में दो चूहों, एक चूहे को रख दिया गया। अब ये चूहा है 20 25 35 साल का यंग बनता है, जिसने अच्छी पढ़ाई की है, उसको एक नौकरी मिल गई, जैसे चूहे को चावल मिल गया। अब उसको कोई मेहनत नहीं करना है, वही खाते रहना है उसके अंदर। और जैसे जैसे चूहा खाता चला जाता है, वो चावल नीचे चलता चला जाता है। और एक ऐसा टाइम आता है जब चूहे को एहसास होता है यार कि चावल खत्म होने जा रहे हैं, अब चावल मिलेगा नहीं। लेकिन वो ये भी देखता है कि अब मैं इतना नीचे आ गया हूं कि अब कुछ हो नहीं सकता। और फिर उसको एहसास होता है कि यार ओहो, मैं तो जो समझ रहा था, अपनी जो मैंने पहचान बना ली थी, मैं जो बहुत गुमान कर रहा था अपने ऊपर कि मेरे को जो नौकरी मिल गई है, जो मेरे को दुकान मिल गई है, या जो मैंने ये स्किल सीख लिया है, इसी स्किल के सहारे मैं पूरी जिंदगी काटूंगा और वो बहुत बढ़िया रहेगा। लेकिन इससे हमें निकल के क्या आ रही है, तीन चार चीजें सामने निकल के आ रही है। नंबर वन, कि अगर हम जो काम कर रहे हैं उसमें बहुत मजा आ रहा है तो ये समझ लीजिए ट्रैप है। मतलब आप 9 to 5 काम करके आ रहे हैं, या आप सिर्फ घर का चूल्हा चकरी काम करने के बाद आप सोच रहे हैं कि आपने सब कुछ कर लिया। वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं ना नौकरी को पुट डाउन कर रहा हूँ, ना घर के जो काम हमारी लेडीज करें उसको पुट डाउन कर रहा हूँ। लेकिन अगर आप उसमें ही समझना शुरू हो गए कि यही जो मैं कर रही हूँ कि अल्टीमेट है, तो आप एक ट्रैप के अंदर है। और अगर आपको चीजें बहुत आसानी से मिल रही है, इजिली सब कुछ चल रहा है, तो आप समझिए सर्वाइवल मोड में ट्रैप हो गए हैं। और जब आप सर्वाइवल मोड में ट्रैप हो गए हैं, तो जो आपका पोटेंशियल है काम करने का, वो धीरे धीरे लूज कर रहे हैं आप। आपको कैसे पता रहा कि आप सिर्फ 50,000 कमाने के लिए बने हैं? किसने बताया आपको कि आप सिर्फ ईएमआई पे गाड़ी खरीदने के लिए बने हो? ऐसा आपने मान लिया है। चूहे ने जैसे मान लिया था कि बस ठीक है यार, जो मिल गया है बहुत अच्छा है, लेकिन बाद में उसको एहसास हुआ। और लास्ट में राइटर ने बहुत सही बात बोली है कि अगर आपने सही टाइम पे सही एक्शन नहीं लिया तो आप बहुत पीछे रह जाएंगे। और बहुत सारे लोग हम में से ऐसे ही हैं कि जब उनको एक मौका लगता है तो वो समझते हैं कि यार उस वक्त मैंने कर लिया होता। जैसे बहुत सारे लोगों को लगता है यार कि अगर मैंने उस वक्त ये काम कर लिया होता, साथ में ये स्किल सीख लिया होता, तो बढ़िया हो गया होता। लेकिन ऐसा होता नहीं। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। अभी जब हमने आस पड़ोस में देखते हैं, लोगों को देखते हैं, तो हमें जो सबसे ज्यादा पैसे वाले, गाड़ी वाले, बढ़िया स्कूल में बच्चे पढ़ाने वाले, विदेश घूमने वाले, घरों के अंदर बढ़िया सोफा, इंटीरियर जिनके बहुत अच्छे लोग हैं, वो जनरली बिजनेसमैन है। और बिजनेसमैन भी दो तरीके के हैं। एक बी क्वाड्रेंट मैंने लिखा है, जहां टाइप 1 और बी क्वाड्रेंट टाइप 2। यहाँ पे क्या है कि कुछ बिजनेसमैन ऐसे हैं जो एम्प्लॉई रखते हैं और वो फर्दर उनके नीचे एम्प्लॉई काम करते हैं। मतलब नाम नौकरी, काम बिजनेस। हम में से जब भी मैंने लोगों से बात की बिजनेस करने की, स्पेशली जॉब क्लास से, तो उन्होंने बड़े मजेदार आंसर मुझे दिए हैं कि सर मैं नौकरी करता हूं, मैं बिजनेस नहीं कर सकता हूं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, मैं कई बार बैंकर से मिलता हूँ, या मैं कई बार किसी प्राइवेट सेक्टर में किसी बंदे से मिलता हूँ, तो कहते सर मैं तो जॉब करता हूँ। लेकिन अगर आप एनालाइज करेंगे तो वो आज पे बिजनेस कर रहा है, किसी के लिए सेल क्रिएट कर रहा है। जैसे बैंकर है, वो अंडर कवर नौकरी कर रहा है, बट एक्चुअली वो बिजनेस कर रहा है, क्लाइंट्स को लेके आ रहा है। वो कन्विंस करता है कि सर जो आपके अकाउंट पे इतना पैसा पड़ा है, इसको आरडी में कन्वर्ट कर दो, या फिक्स डिपॉजिट कर लो, या इसका लाइफ इंश्योरेंस खरीद लो, इसका कुछ भी कर लो, बट ये पैसा इन्वेस्ट करो। ये काम जो बिजनेसमैन है एज ए एम्प्लॉय लोगों को बना के कर रहा है, और एम्प्लॉय भी बिजनेस कर रहा है मगर उसको पता नहीं है। और जब हम उसको कोई आइडिया अपनी फैमिली के लिए दिखाते हैं कि आप एक बड़ा आइडिया काम कर सकते हैं, तो परेशान होता है कि नहीं यार, मैं ये काम नहीं कर सकता। दोस्तों, मैं आपको एक ऐसा बिजनेस आइडिया, बिजनेस मॉडल डिस्कस करने जा रहा हूँ कि आप आज जो भी काम कर रहे हैं, उस काम के साथ साथ अगर आप गृहिणी हैं, घर पे आप सिर्फ बच्चे संभाल रहे हैं और आप किचन संभाल रहे हैं, फैमिली संभाल रहे हैं, जो अपने आप में बहुत बड़ा काम है। एक दिन जब हमें छुट्टी होती है, मैं घर पे रहता हूँ, तो मैं देखता हूँ कि वाकई ये काम जो है बहुत ही डेडिकेशन वाला काम है।
मैं उसको कम नहीं आंक रहा हूँ, लेकिन कितना बढ़िया हो उसके साथ आप 20-25-30-50 हज़ार रुपए आप साइड में इनकम बनाना शुरू हो जा रहा है, और जो काम आप कर रहे थे वो डिस्टर्ब भी ना हो तो कितना बढ़िया रहेगा। नेक्स्ट स्लाइड में उसी के बारे में आज हम बात करने जा रहे हैं, ये कैसे होगा। और ये सब बात करने के लिए हमें कोई नीम हकीम वाली इंफॉर्मेशन की जरूरत नहीं है, हमें ऐसी इंफॉर्मेशन की जरूरत है जो वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेड हो, जिसपे आज दुनिया डिस्कशन कर रही हो, जिसपे किताबें लिखी जा रही हो, जिसको अपना के लोग बहुत तेजी से तरक्की कर रहे हैं। और उन्हीं में से एक बहुत बड़े राइटर हैं और बहुत बड़े बिजनेसमैन है जापान के, जिनका नाम है टी रॉबर्ट कियोसाकी। वो कहते हैं कि इस धरती पे चार लीगल वे हैं इनकम बनाने के, एज ए एम्प्लॉय बना ले हम, एज ए सेल्फ एम्प्लॉयड बना ले हम, बिजनेस ओनर बना ले और इन्वेस्टर बना ले हम। हमें सिर्फ चारों क्वाड्रेंट को एनालाइज करना है कि किस क्वाड्रेंट के लोग तरक्की कर रहे हैं, किस क्वाड्रेंट के लोग रो रहे हैं, किस क्वाड्रेंट के लोग जो है परेशान है, हम किस क्वाड्रेंट में हैं, किस क्वाड्रेंट में जाना चाहते हैं, उनका वर्क एथिक्स क्या है, उसको बड़े ध्यान से सुनना है, देखना है और धीरे से कोशिश करनी है कि हम उस क्वाड्रेंट में चले जाएं जिस क्वाड्रेंट के लोग तरक्की कर रहे हैं। तो आइए हम पहले बात करते हैं एम्प्लॉय क्वाड्रेंट की, जो सबसे भीड़ वाला क्वाड्रेंट है, जहां पे स्कूल कॉलेजेस में हमें सिखाया गया कि एक बढ़िया सी नौकरी कर लो, आपको बहुत बढ़िया शादी हो जाएगी, और अगर सरकारी हो जाए तो और बढ़िया, बहुत जल्दी शादी हो जाएगी, क्योंकि तो मोस्टली लोग यही खोजते हैं। और लड़के वाले खोज रहे हैं कि अगर लड़की भी ऐसी थी मिल जाए जो काम करने वाली है तो क्या बात। तो एम्प्लॉय क्वाड्रेंट का जो थंब रूल है वो है कि वो टाइम डालता है और पैसा कमाता है। गवर्नमेंट 2010 से हमें पता है कि मोस्टली जॉब्स पेंशनेबल नहीं रही हैं। अब एक डिफेंस सेक्टर था, वहां भी कोशिश किया जा रहा है, अग्निवीर जैसे प्लेटफॉर्म्स आ गए जहाँ पे 4 साल का टेन्योर कि 4 साल के बाद जो है आप रिटायर कर दिए जाएंगे। तो एम्प्लॉय क्वाड्रेंट का जो थंब रूल, जैसे मैंने बताया कि आप टाइम डालिए, पैसा बनाइए, जब तक आप टाइम डालते रहेंगे पैसा बनता रहेगा, टाइम नहीं डालेंगे पैसा नहीं बनेगा। तो इनके पास बहुत लिमिटेड पैसा होता है, बहुत मुश्किल से 20-25 तारीख तक बेहोशी की हालत में हो जाते हैं ये लोग, और 20-25 तारीख से जो है अगले महीने की कामना करना शुरू करते हैं, भगवान अगला सितंबर जल्दी आ जाए ताकि इनकम आ जाए और हम जितने भी प्लान्स बच्चों के कुछ डिमांड्स होते हैं वो हम सितंबर आएगा तो उस पे डाल देते हैं कि उस महीने हम करेंगे। पॉइंट ये है कि ये रोता रहता है क्योंकि टाइम डालेगा तो पैसा आएगा, टाइम नहीं डालेगा तो पैसा। एक और स्मार्ट ग्रुप है सेल्फ एम्प्लॉयड क्लास, इसमें वो लोग होते हैं जो लोग खुद को नौकरी देते हैं, मतलब अपना काम करते हैं, जैसे डॉक्टर्स हो गए, इंटीरियर डिजाइनर हो गए, ये लोग शॉपकीपर्स हो गए हैं, ये लोग क्या करते हैं अपनी दुकान खोलते हैं, अपना क्लिनिक खोलते हैं और वहां बैठते हैं, ज्यादा टाइम लगाते हैं तो ज्यादा पैसा कमाते हैं, लेकिन ये टाइम इतना ज्यादा लगाते हैं कि इनके पास पैसा तो अच्छा खासा आ जाता है लेकिन अपनी बच्चों के लिए टाइम नहीं रहता, फैमिली के लिए टाइम नहीं रहता, घूमने का टाइम खत्म हो जाता है। पर आप सोचिए उस पैसे का क्या करेंगे जब आप उसको एंजॉय नहीं कर सकते। तो मैं अभी तक, जब तक मैंने ये बिजनेस आइडिया नहीं देखा था तो मुझे ऐसा लगता था कि जो ये हमारा दुकानदार वाला भाई है जो इतना पैसे बना रहा है या जिनका शोरूम है, बड़े सक्सेसफुल लोग हैं, बहुत पैसा बना रहे हैं, बट और ये बिजनेसमैन है। बट मुझे अल्टीमेटली पता लगा इस बिजनेस में आके कि रियल बिजनेसमैन वो लोग हैं जो लोग अपना एक नेटवर्क बनाते हैं, अपनी एक टीम बनाते हैं, संगठन बनाते हैं और टीम के साथ काम करते हैं। एक टाइम ऐसा आता है कि वो काम ना भी करें लेकिन टीम काम कर रही होती है और वो टीम के काम करने की वजह से उनको पैसा आता ही रहता है, आता ही रहता है, आता ही रहता है। जैसे आज सोनी टीवी का एक नेटवर्क है, बाटा का एक नेटवर्क है, रिलायंस का एक नेटवर्क है, हॉस्पिटल्स का नेटवर्क है, फेसबुक का नेटवर्क है, हर एक बड़े लोग आप देखिए जिन्होंने अपना एक नेटवर्क बनाया हुआ है, स्कूल का नेटवर्क है, दुकानों का नेटवर्क है, मॉल्स का नेटवर्क है, न्यूज का नेटवर्क है, इन्होंने नेटवर्क बनाया और एक टाइम के बाद ये आज दुनिया में नहीं भी है तो भी इनका नेटवर्क बहुत तेजी से चल रहा है और बहुत तरक्की कर रहे हैं। उसके बाद हमारा एक अगला क्वाड्रेंट आता है इन्वेस्टर क्वाड्रेंट, इसमें वो लोग होते हैं जो बहुत सारा पैसा बिजनेस से जब बना लेते हैं तो ये इन्वेस्टर बन जाते हैं और इन्वेस्टमेंट करते हैं बड़े बड़े गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स में, जैसे डैम बना दिया, सड़कें बना दी, वहां पैसा लगा के पैसा बना।
अब सवाल ये उठता है कि हमें किस क्वाड्रेंट में जाना है, हमें बी क्वाड्रेंट में जाना है, बिकॉज यहाँ पे लोग, एक टीम बनेगी, लोग अपना काम करेंगे और आपका ऑटोमेटिक बिजनेस होगा। तो हमें समझना है कि इम्प्लॉय और सेल्फ इम्प्लॉयड क्वाड्रेंट क्या नहीं जानते हैं, क्या नहीं समझते हैं, और बिजनेस क्वाड्रेंट और इन्वेस्टर क्वाड्रेंट क्या जानते हैं, जिसकी वजह से ये तरक्की कर रहे हैं और हम तरक्की नहीं कर रहे हैं। मसला ये है कि जो हमारे एम्प्लॉई क्लास है और सेल्फ एम्प्लॉयड क्लास है, हम लोग एक ऐसे विशेष सर्कल में फंस गए हैं जहां, जिसका नाम मैंने पपेट शो दिया हुआ है, हमको कोई नचा रहा है और उसको कोई नचा रहा है और उसको कोई नचा रहा है, हर एक आदमी को कोई ना कोई नचा रहा है, मतलब इंस्ट्रक्शन दे रहा है क्या करना है, कैसे करना है, उसका लाइफस्टाइल को कोई डिसाइड करता है, उसका घर कैसा होगा उसका बॉस डिसाइड करता है, बच्चे कहाँ जाएंगे वो डिसाइड करता है, कपड़े कैसे डालेंगे बॉस डिसाइड करता है, छुट्टियां कब आप मनाएंगे बॉस डिसाइड करता है, और उसका बॉस भी उसके बॉस का डिसाइड करता है। तो हर एक आदमी को कोई ना कोई डिसाइड कर रहा होता है। हम एक ऐसे रट सिस्टम में फंस गए होते हैं, चाहे हम किसी भी टाइप की नौकरी कर रहे होते हैं, बहुत सारे हमारे आजू बाजू के लोग कर रहे होते हैं, हमें लगता है कि वही सही है, और हम पूरी जिंदगी एक मिडिल क्लास मीडियोकर बन के रह जाते हैं और फिर कोसते रहते हैं कभी किस्मत को, रब को, कि हाय हमें मौका नहीं मिला जिंदगी में तरक्की का। वहीं पे जो हमारा बिजनेस क्लास है, इन्वेस्टर क्लास है, वो क्लास जो है पावर ऑफ नेटवर्क को समझता है, वो समझता है कि अगर मैं कितना भी सयाना हो जाऊं, मैं अकेला हूं तो अकेला ही रहूंगा, लेकिन अगर मैं टीम बना के काम करूंगा तो कल मैं बूढ़ा हो जाऊंगा, कल मैं मर भी गया या काम नहीं कर पाया तो वो टीम, वो नेटवर्क काम करती रहेगी। और ऐसे हजारों एग्जाम्पल्स हैं जहां दादा ने काम शुरू किया था, आज वो नहीं है, बट उनका नाम और काम दोनों चल रहा है। हमें सिर्फ यही समझना है कि हम ये नेटवर्क कैसे बनाएं, और जब नेटवर्क बनाने की बात आती है तो हमें ऐसा लगता भी है कई बार कि नहीं भाई, ये नेटवर्क बनाना हमारा काम नहीं है, हमसे ये नहीं होगा, बहुत मुश्किल है। माय डियर फ्रेंड्स, बड़े काम हमेशा मुश्किल होते हैं और छोटे काम जिसमें पैसा कम होता है वो बहुत आसान होता है। तो नेटवर्क बनाना जो है वो एक दिन का काम नहीं है, और आप जब नेटवर्क बनाने की बात करते हैं तो हम आज ऐसे ऐसे एरा में जी रहे हैं, ऐसे एरा में जी रहे हैं जो आज इतना आसान हो गया है, और ये एरा, ये जो आज हम जिंदगी जी रहे हैं डिजिटल रेवोल्यूशन का, ये रेवोल्यूशन अब हर आदमी को एम्पावर करने जा रहा है कि आप जिंदगी में आगे बढ़ सकते हैं अगर आप अलर्ट हैं और आप सीखने को तैयार हैं, बदलने को तैयार हैं और चेंज होने को तैयार है, तो ये डिजिटल रेवोल्यूशन आपको गले लगाने के लिए तैयार है और आपको बहुत आगे लेके चला जाए। आज हम में से सारे लोग ये देख रहे हैं कि डिजिटल रेवोल्यूशन, हम सबके मोबाइल पे ये एप्लीकेशंस हैं, हम किसी ना किसी के नेटवर्क में, हम उसके ग्रुप के अंदर उसके नेटवर्क का हिस्सा बन के उसका काम कर रहे हैं। अब सवाल ये उठता है कि आपका और मेरा क्या ऐसा नेटवर्क बन सकता है? स्लाइड चेंज मैम, नेक्स्ट। अब बड़ी मजेदार बात आ रही है सामने निकल के, जो अभी पिछले 2-3 सालों के अंदर हुआ है और अगले हमारे 5 से 10 साल आने वाले जो टाइम आने जा रहा है वो बहुत एक डिफरेंट टाइम आने जा रहा है। वो इतना डिफरेंट टाइम होगा जिसको आज इमेजिन करना हम लोगों के लिए मुश्किल है। जैसे मैं आज आपको 10 साल पहले कहता कि हम सबके हाथ में स्मार्टफोन होगा और हम अपने सारे काम मोबाइल के थ्रू, इंटरनेट के थ्रू कर लिया करेंगे, तो शायद आप नहीं मानते कि ऐसा नहीं होगा। लेकिन माय डियर फ्रेंड्स, एक बहुत बड़ी क्रांति आ गई है जिसका नाम है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई के नाम से हम जानते हैं। और ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अगले 5-10 साल के अंदर हमारे हर एक काम करने को तरीके को बदलने जा रही है, हमारी गाड़ी चलाने के तरीके बदलने जा रहे हैं, हमारे स्कूल बदलने जा रहे हैं, हमारे टीचर्स बदलने जा रहे हैं, हमारी दुकान बदलने जा रहे हैं, हमारा रहन सहन बदलने जा रहा है, हमारा इंटरटेनमेंट का साधन बदलने जा रहा है, ट्रेवलिंग का बदलने जा रहा है, नौकरियां बहुत सारी खत्म होने जा रही हैं, बहुत सारी नई नौकरियां आएंगी जिनकी अभी तक हमने कल्पना भी नहीं की है, ऐसे ऐसे जॉब आ जाएंगे जो अभी तक जिसकी पढ़ाई हमने सोची भी नहीं है। और उसका एक बहुत
लेटेस्ट एग्जांपल है कि एलोन मस्क का आपका नाम सुना होगा, ये जिन्होंने ट्विटर अभी खरीदा है, इन्होंने एक स्कूल खरीदा है और उस स्कूल के अंदर कोई क्लास नहीं रखी है इन्होंने, कोई एग्जाम नहीं रखा हुआ है। बच्चा अपनी मर्जी से बैठेगा, 5 साल का बच्चा 15 साल के बच्चे के साथ पढ़ सकता है, कोई एग्जाम नहीं देगा। और ये एक कॉन्सेप्ट स्कूल खुला हुआ है और ये कॉन्सेप्ट स्कूल का सिर्फ फोकस ये है कि भाई किताबी पढ़ाई चलने वाला नहीं है, आगे पढ़ाई जो है वो किताबी नहीं चाहिए, क्रिएटिविटी की पढ़ाई चाहिए कि आप क्रिएटिव हो जाएं, आप सोचना शुरू करें, आप देखें कि आसपास क्या बदलाव आने जा रहा है और आप एक बड़े चीज को दुनिया में ला सकते हैं जो है ही नहीं। और उसकी सबसे बड़ी मिसाल अभी बताने जा रहा हूं कि अभी ये जो लेडी देख रही है ये एक्चुअली लेडी नहीं है, ये एआई का कमाल है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कमाल है, दैट इज एआई। ये पहली न्यूज रीडर है जिसका नाम लीसा है, ये अब न्यूज पढ़ेगी, मतलब जो न्यूज रीडर्स हैं उनकी छुट्टी, मतलब अब दुनिया के सबसे बेहतरीन ब्यूटीफुल लेडी को एआई जनरेट कर सकता है, बना सकता है और दिन भर न्यूज बुलवा सकता है और रियल टाइम न्यूज बुलवा सकता है। जो अभी न्यूज हुआ है, जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी 8:05 हो रहे हैं, तो 8:04 पे जो न्यूज हुआ वो न्यूज देगा। अभी तक क्या था, शाम तक की न्यूज आपको लेटेस्ट आ रही थी या कल की न्यूज आ रही थी, बट एआई के थ्रू गाड़ियां बदल जाएंगी, न्यूज बदल जाएगी, हमारी सोच बदल जाएगी, सब कुछ बदल जाएगा। सवाल ये है आप इसके लिए प्रिपेयर हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं? अगर आप इसके लिए प्रिपेयर नहीं हो रहे हैं तो माय डियर फ्रेंड आप ऐसे ही है जैसे यू नो शुतुरमुर्ग बिल्ली को देख के गर्दन रेत में डाल देता है कि मुझे तो बिल्ली ने नहीं देखा है, बट बिल्ली ने उसको देख लिया है। आपको इनकार करने से, बदलने से कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अब सवाल ये है कि आप नौकरी कर रहे हैं चाहे गवर्नमेंट हो, आपके लिए एआई क्या काम करेगा और आपका एआई क्या है? तो आपका एआई है ये, That is एमवे इंडिया, AI, A for एमवे, I for इंडिया। ये जो AI है ये आपकी लाइफ को आने वाले अगले 5 से 10 साल के अंदर टोटली बदल के रख देगा, क्योंकि आप एमवे इंडिया एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो टेक्नोलॉजी से लैस है, साइंटिस्ट 24/7 365 days काम कर रहे हैं। आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है कि नया बिजनेस कैसे करना है, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है कि टेक्नोलॉजी हम कैसे लेके आएंगे, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है गवर्नमेंट के साथ डील कैसे करनी है। ये सारा कुछ एआई मतलब एम्बे इंडिया आपके लिए करने जा रहा है, मगर कैसे करेगा? ये बिल्कुल वैसे ही करेगा जैसे पहले आपके लिए फेसबुक और व्हाट्सएप कर रहा था। अगर आप गौर करें तो ये फेसबुक और व्हाट्सएप को कौन चला रहा है? फेसबुक और व्हाट्सएप को आप चला रहे हैं, मैं चला रहा हूं। और हमने इसको कैसे चलाया? हम पहले इसके साथ जुड़े और हमने अपने साथ लोगों को जोड़ना शुरू कर दिया, उनके साथ कनेक्ट करना शुरू कर दिया, लोगों को बताना शुरू कर दिया। तो हमसे 4 लोग जुड़े, हमसे फिर आगे 14 लोग जुड़े। आज कौन आदमी है जो मना करेगा कि हम व्हाट्सएप को नहीं मानते, फेसबुक को नहीं मानते? आप मानते भी हैं, पहचानते भी हैं, लेकिन आप किसी और का बिजनेस बना रहे हैं और बहुत तेजी से आप किसी और का बिजनेस बना रहे हैं। आइए मैं कुछ लोगों को मिलवाता हूं जिन्होंने व्हाट्सएप को देखा, समझा और ऐसा ही अपना बिजनेस बना लिया। तो हमारे कुछ हीरोज हैं हमारे सामने, आप देखिए। इन लोगों ने हम सबको एक मौका दिया और ये सारे वो लोग हैं जो बहुत बिजी थे अपने प्रोफेशन के अंदर। कामयाबी ऐसी कि हम में से हर एक आदमी साइंटिस्ट बनना चाहेगा, नासा के साइंटिस्ट, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, नोबेल प्राइज नॉमिनी और इतने लो एजुकेटेड, जिसमें हमारे बस ड्राइवर, कंडक्टर, प्लम्बर, इलेक्ट्रिशियन जैसे लोग जो इस बिजनेस में आके अपना नेटवर्क फेसबुक की तरह बना के एक बहुत बड़ा बिजनेस बना के चले गए। तो अगर आपको कॉम्प्लेक्स हो रहा है कि आप बहुत पढ़े लिखे हैं, तो माई डियर फ्रेंड आप बहुत पढ़े लिखे लोग हैं। आपको डर है कि आप कम पढ़े लिखे हैं, तो यहाँ इलेक्ट्रिशियन भी हैं। आप अपना नेटवर्क बना ही लेंगे, शर्त यह है कि आपके अंदर वो प्यास होनी चाहिए। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। अब
ये होगा तो होगा कैसे? बहुत सिंपल, इतना सिंपल कि आप कई बार आप परेशान हो जाएंगे यार, ये इतना सिंपल है तो कैसे हो सकता है? ये सिंपल चीजें हम लोगों को अक्सर स्किप हो जाती है, हम ध्यान नहीं देते। तो माय डियर फ्रेंड, ये रहे आप, ये जो फेस बना हुआ है, दिस इज यू। आप जो भी सामान खरीदते हैं, मतलब पैसा जो जनरेट करते हैं, चाहे नौकरी से या दुकानदारी से, वो आप दुकान पे लाके छोड़ते हैं, वहां से सामान लेके आते हैं, दुकान वाला होलसेलर से सामान लेके आता है, वो फिर सी एंड एफ से लेके आता है, वो फिर आगे एक बहुत बड़े मैन्युफैक्चरर से लेके आता है, और फाइनली वो सामान फैक्ट्री में बनता है। लेकिन मजेदार बात यह है कि बनने की कीमत 30 रुपए होती है और आपको 100 रुपए में मिलता है, आप 70 रुपए डिस्ट्रीब्यूशन चैनल में दे देते हैं, चला जाता है। यहाँ पे कौन से लोग बैठे हुए हैं? यहाँ पे दुनिया के सबसे अमीर तरीन लोग बैठे हुए हैं, अमिताभ बच्चन साहब हैं, शाहरुख खान जी हैं, ये लोग अपने काम में बहुत माहिर हैं, बहुत बिजी हैं। अभी आप शाहरुख खान को बोलो तो क्या बिजी नहीं है? क्या अमिताभ बच्चन के पास कोई काम नहीं है? क्या तेंदुलकर के पास कोई काम नहीं है? अक्षय कुमार के पास कोई काम नहीं है? सबके पास काम ही काम है। क्या ये गरीब है? बहुत अमीर आदमी है, लेकिन उसके बाद उनको पता है कि पैसा डिस्ट्रीब्यूशन में है, लोगों को अवेयर करने में पैसा है, और ये मोटी कमाई करते हैं। 10 सेकंड के 15 से 20 करोड़ रुपया ले लेते हैं और आगे हमें बताते हैं कि सबसे बढ़िया सॉफ्ट ड्रिंक ये है, सबसे बढ़िया बैट ये है, सबसे बढ़िया आटा ये है, सबसे बढ़िया गोल्डी मसाले ये है, फलाना वो है, और वो 70% पैसे में अपनी फैमिली के लिए पैसा बना रहे हैं। मजेदार बात यह है कि जब हम ये प्लान लोगों को दिखाते हैं और हम उनको कहते हैं कि ये 70% पैसा आप भी ले सकते हैं, तो कहता है यार हम तो बहुत रेपुटेशन वाले लोग हैं, हम तो डॉक्टर हैं, हमारे पास टाइम नहीं है, हम बहुत पढ़े लिखे लोग हैं, लोग क्या बोलेंगे? अमिताभ बच्चन साहब को तो कोई नहीं बोल रहा है, ठंडा ठंडा कूल नवरत्न बेच रहे हैं, लेकिन आपको कौन बोलेगा मुझे पता नहीं। अब यही पे आती है दुनिया की सबसे बड़ी इंडस्ट्री एम्वे, वो कह रही है कि साहब आप सीधा मुझसे जुड़ जाइए, और 70% पैसा जो बीच के ये लोग ले रहे थे वो आप ले लीजिए, और अपना एक नेटवर्क बना लीजिए। नेक्स्ट स्लाइड मैम, अपना एक नेक्स्ट नेक्स्ट स्लाइड मैम, अपना एक नेटवर्क बना लीजिए लोगों का, जैसे आपने फेसबुक का बनाया था, व्हाट्सएप का बनाया था। कैसे बनेगा? आपको एक बिजनेस प्लेटफॉर्म दिया जाएगा, आप अपना सामान एमवे से लेंगे, सीखेंगे यहाँ ब्रिट वर्ल्ड वाइड, लेकिन अब ब्रिट वर्ल्ड का नाम बदल के चेंज हो गया है, अभी एमवे गुरुकुल हो गया है, तो सीखेंगे गुरुकुल से और सामान लेंगे एमवे से, और हम अपने क्लाइंट्स और अपने बिजनेस पार्टनर्स बनाएंगे। क्लाइंट्स वो जो सामान लेंगे, बिजनेस पार्टनर वो जो आपकी तरह सोच रखेंगे और आगे बिजनेस को आगे बढ़ाएंगे। नेक्स्ट स्लाइड मैम, तो ये होगा कैसे? ये इंपॉर्टेंट बात ये है, ये होगा ऐसे कि आप ये रहे, मैं यहाँ पे हूं, मैंने अपना लेफ्ट हैंड एम्बे को दे दिया, मतलब एम्बे से सामान लेना शुरू कर दिया, राइट हैंड साइड मैंने किसको दे दिया? ये एम्बे ब्रिट वर्ल्ड वाइड या एमपे गुरुकुल को दे दिया, यहां से सीखना शुरू कर दिया, और अपनी सबमिशन दिल और दिमाग मैंने अपलाइन को दे दिया कि सर आप बताइए कैसे करना है, और सामान लाके मैंने यूज करके जो लोग थे उनको मैंने एजुकेट करना शुरू कर दिया कि एमवे के प्रोडक्ट मैंने यूज किए, बहुत बढ़िया है, आपको इंफॉर्मेशन लेनी चाहिए। और फिर उन्होंने भी फर्दर लोगों को बताया, उन्होंने भी फर्दर लोगों को बताया, जैसे हमने फ्रेंड रिक्वेस्ट फेसबुक पे भेजी, हमने जैसे ग्रुप बनाया व्हाट्सएप का, ऐसे ही हम लोगों को बनाते चले गए, और बनाने के बाद एक टीम बननी शुरू हो गई। ये टीम 1 महीने में बनेगी, 1 साल में बने, 2 साल में, 4 साल में, 5 साल में, जितने में भी बने, लेकिन ये टीम बन के ही रहेगी अगर आप इसको बनाना चाहेंगे, क्योंकि बहुत सारे लोगों की टीम बनी है, 110 कंट्री में लोगों की टीम बनेगी, आपकी क्यों नहीं बनेगी, डेफिनेटली बनेगी। नेक्स्ट स्लाइड मैम, अब ये होगा कैसे? जैसे ही आप एमवे के साथ कनेक्ट होंगे तो आपको कुछ 5 से 6% आपको ऑन ऑन स्पॉट होलसेल प्राइस पे मिल जाएगा, आपको ट्रेड डिस्काउंट मिलेगा, 30 डेज मनी बैक गारंटी सामान मिलेगा, और कुछ मंथली ऑफर्स होते हैं वो मिलेगा। ऐसा करने से आपको एक्टिव इनकम बननी शुरू हो जाएगी, लेकिन जैसे ही आपकी टीम बननी शुरू हो जाएंगे, लोग आपके साथ जुड़ना शुरू हो जाएंगे, लोगों के दिलों में भी आ जाएगा कि यार हम भी अपना नेटवर्क बनाए, जैसे फेसबुक का नेटवर्क है,
तो आप जबकि टीम बननी शुरू हो जाएगी तो इनको पैसे आने शुरू हो जाएंगे। जब आपकी 20,000 सेल होगी, जब आपकी 60,000 होगी, 1,20,000 होगी, 2,40,000 होगी, 4 लाख होगी, 7 लाख होगी, 10 लाख होगी, तो आप देखेंगे जैसे जैसे टीम की सेल बनती चली जाएगी, आपकी सेल बनती चली जाएगी और आप लाख रुपए पर मंथ पे आना शुरू हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पे हमारे बीच में बहुत सिग्निफिकेंट लेवल हम जिसको कहते हैं दैट इज ब्रॉन्ज पिन अचीवर है, जिनकी इनकम इस बिजनेस में जब आप 4 लाख का वॉल्यूम जनरेट करना शुरू कर देते हैं, 4 लाख का मतलब आप और आपकी टीम मिलकर जब 4 लाख का सामान खरीदना शुरू हो जाती है तो मिडिल मैन में से आपको 40,000 एक आना शुरू हो जाता है। और बहुत सारे लोग इतनी की नौकरी कर रहे हैं लेकिन आप उसको बिना डिस्टर्ब किए हुए, बिना घर से निकले, बिना दुकान खोले हुए आप 30,000 से 40,000 कमाना शुरू होते हैं। और मिलेंगे आप कुछ लोगों से ऐसे, जब आप लाख रुपए बनाना शुरू होते हैं तो आपको सिल्वर कहते हैं, इस लेवल पे आपकी रिकग्निशन होती है। इनफेक्ट आपको बहुत जान के हैरानी होगी कि हम आजकल ब्रॉन्ज लेवल पे भी ट्रिप मिलना शुरू हो गए 4 लाख के वॉल्यूम के ऊपर। जब आप इसी को 6 महीने करते हैं तो आप प्लेटिनम होते हैं, यहाँ पे आपको अगेन ट्रिप मिलना शुरू हो जाता है, जबरदस्त ट्रिप मिलता है और आप घूम के आते हैं। और जब आप किसी को 12 महीने मेंटेन करते हैं तो आप ऑनर प्लेटिनम होते हैं, इस लेवल पे आप फॉरेन ट्रिप्स मिलने शुरू होते हैं। एंड गॉड हैज बीन वेरी काइंड इनफ कि हम इस बिजनेस में ऑनर प्लेटिनम होके साल का 12 से 15 लाख रुपए इनकम जनरेट करनी शुरू कर दी हम लोगों ने। आज भी मैं जॉब कर रहा हूँ लेकिन शाम को आधा एक घंटा शाम को चाय कप पीता हूँ, लोगों को पिलाता हूँ, जब कभी नहीं हुआ तो नहीं पिलाता हूँ, नहीं पीता हूँ, लेकिन हंसते खेलते लोगों को एक पीस ऑफ इंफॉर्मेशन देता हूँ। जिनको पसंद आता है उनको गले लगाता हूँ, जिनको नहीं पसंद आता है हाथ मिलाता हूँ, आगे बढ़ जाता हूँ। और ऐसे ही जब आप 3 लोगों को प्लेटिनम बना देते हैं तो इस बिजनेस में एमरल्ड हो जाते हैं। यहाँ 30 से 40 लाख रुपए साल का आप बना रहे होते हैं, कमाल का इनकम होता है। आप इमेजिन करिए कि आप जो भी काम कर रहे हैं उसके साथ पार्ट टाइम में आपको 30 से 40 हजार रुपया इनकम बन रहा हो तो कैसा लाइफस्टाइल होगा आपका। हर साल आप घूमने जा रहे हो और अगर यही काम आप 6 लोगों की मदद करके इस बिजनेस में पहुंचा देते हैं तो आप डायमंड डायरेक्ट होते हैं इस बिजनेस के अंदर। और डायमंड डायरेक्ट होना अपने आप में बेताज बादशाह है। यहाँ पे साल का 80-90 लाख रुपया, करीब करीब 1 करोड़ रुपया आप साल का बना रहे होते हैं। ओहो, मैं जब गूज बम्स आते हैं जब मैं डायमंड लाइफस्टाइल को सुनता हूँ, देखता हूँ, उनकी ऑडियो वीडियो रिलीज हो जाती है, पूरी दुनिया में जाने जाते हैं ये लोग। एंड वी आर वेरी लकी कि हमारे डायमंड जेएनके के फर्स्ट, हम उस टीम से बिलोंग करते हैं जो जेएनके के फर्स्ट डायमंड है, नन अदर देन रशीद अहमद एंड परवीन अख्तर। मैं चाहूंगा कि एक बार हम जबरदस्त क्लैपिंग करें उनके लिए, बिकॉज उन्होंने इस बिजनेस को जेएनके में इस लेवल पे लाया और ही सच ए हम्बल पर्सन। आज आप उनका लाइफस्टाइल देखिए, आप बहुत सारे करोड़पति लोगों को जानते होंगे, आपके रिश्तेदार में होंगे ऐसे जिनके पास शायद मर्सिडीज होंगी, लेकिन अपने दिल पे हाथ करके बताइए क्या उनका कोई इंटरेस्ट है कि आपका भी मर्सिडीज आ जाए? क्या उनका कोई इंटरेस्ट है कि आपका भी, जैसे हमारे पानी साहब ने 8 करोड़ का भी मकान बनाया, आप भी 8 करोड़ का मकान बना ले आप भी, क्या कोई इंटरेस्ट है कि वो आपको आपकी तरह डायमंड बनाने में ले जाए? उनको करोड़पति अगर है तो वो भी आपको करोड़पति बनना देखना चाहेंगे? दिल पे हाथ रखिए, देखिए दोस्तों सवाल आंसर आएगा नहीं, बिग नो। लेकिन यहाँ पे डायमंड आपको अपने साथ बैठा के वो चाहते हैं कि आप डायमंड बन जाए। आपके पास हफ्ते में एक दिन है तो आप हफ्ते में एक दिन टाइम निकालिए, अगर रोज जा सकते हैं तो रोज मिलाइए लोगों को, अगर आप महीने में एक दिन निकाल सकते हैं एक दिन निकालिए। लेकिन आप इस इंडस्ट्री को इस फिलॉसफी के साथ काम करिए, लग जाइए। अगले 5 साल के अंदर अगर आप डायमंड चले जाते हैं तो अगला डायमंड शिप जो है सेलिब्रेशन A70 होगा, एमवे अपने 70 साल सेलिब्रेट करेगा, एंड दैट टू इन लास वेगास, जहाँ पे यूएस के प्रेसिडेंट जो है वो चीफ गेस्ट होंगे। आप इमेजिन करिए कि वो टाइम क्या होगा, वो समा क्या होगा, वो होटल कैसा होगा, क्या कमाल होगा। आपके पास 5 साल है, डट जाइए, अपलाइन को पकड़ लीजिए, जिसने आपको बुलाया है उनको बताइए कि अगले 5 साल का मेरा रोड मैप बना दीजिए। आई एम श्योर वो मदद करेंगे, मैं मदद करूंगा, फानी साहब जो हमारे डायमंड है वो मदद करेंगे, आप डायमंड चले जाएं। और मैं चाहता हूं कि हमारे ग्रुप का अपना जहाज एक भर के लास वेगास जाए और हम वहां पे फुल फन करें, यू नो बीचेस के ऊपर। और यू नो लास वेगास की नाइट लाइफ जो है वो कमाल की होती है, यू नो कैसीनोज एंड
व्हाट नॉट, इट जस्ट अनबिलीवेबल। दुनिया का सबसे महंगा शहर चूज किया एमवे ने, आप गूगल करिएगा, इससे कॉस्टली शहर नहीं है दुनिया का कोई भी, वहां आप एक हफ्ते एंजॉय करेंगे। करना क्या है, अपना सामान बदलना है, लोगों को डेमो दिखाना है, बात करनी है, चाय पीना है, चाय पिलाना है और डायमंड चले जाना है। थैंक यू वेरी मच।